अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो जी, आप कल की तैयारी कर लीजिए, हम नानी के घर जाकर माँ को बनाकर वापस ले आएंगे। ओके? एकदम परफेक्ट आइडिया है। निर्मला आंटी को वापस तो आना ही चाहिए, एंड इफ यू वांट तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। वैसे भी मेरी वजह से अंकल जी ने तुम दोनों को काफी कुछ सुना दिया है, तो आई रियली फील बैड यार। नहीं, आपको बैड फील करने की जरूरत नहीं है। पापा जी हमारे बड़े हैं और हम उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानते। वैसे भी वो सही तो कह रहे थे ना, आप इस घर की मेहमान हैं। आपसे यूं ऐसे घर का काम कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, शालू जी ठीक कह रही हैं, हमको मेहमान को मेजबान नहीं बनाना चाहिए। Come on, Vishesh. Stop these formalities. We are friends. दोस्त हूँ तुम्हारी। I mean, तुम दोनों की। Well, मैं तो ये सोच के खुश हूँ कि निर्मला आंटी वापस आने वाली है। वो आ जाएंगी तो बहुत मजा आएगा। हम सब भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा शालू जी, वो हमको ऑफिस के काम से एक फोन कॉल करना है। हम चलते हैं। मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में निर्मला आंटी को बताना होगा, लेकिन इस वक्त घर से फोन करना सेफ नहीं होगा। क्या हुआ रोशनी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सबका कितना ख्याल रखते हो ना। तुम लोग को खुद के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अपनों के लिए सोचना भी तो अपने लिए सोचने जैसा ही होता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। वेल, तुम दोनों आज बिजी हो तो मैं आज अकेली मुजफ्फरपुर घूम के आती हूँ। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, कभी कभी बुराई में अच्छाई भी होती है। वो बिजली का झटका हमें गलती से लगा, लेकिन इसकी वजह से हमारे हाथ पैर में हरकत होने लगी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसे चमत्कार तो नहीं कह सकते, बट बहुत रेयर है। अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, ये आप मेडिकल से मंगा लीजिएगा। बाबा गरीबनाथ की कृपा से हमारे गुडवा को कुछ नहीं हुआ। देखा बहुरिया, अच्छों के साथ कोई कितना भी बुरा करे, भगवान सच्चाई का ही साथ देता है। बाल गोपाल ने ये जन्माष्टमी हम सब के लिए खुशियों वाली कर दी, तो दुआ को ठीक करके। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़ देते। दादी, हम मिश्रा जी से कुछ कहेंगे तो शायद वो हमारी बात ना माने, लेकिन आपके तो वो गुडुआ है ना, आप उनसे कहेंगी तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। इन्हें कहिए कि इन्हें ललिता से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ललिता तो चाहती ही है कि हम अपनी सारी एनर्जी उनसे भिड़ने में वेस्ट कर दें। इस बार उन्हें तेवर से नहीं, तरीके से जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बुलबुल, लेकिन ये बात तो हमसे डायरेक्ट भी बोल सकती थी ना। मुस्कान, क्या हुआ? डॉक्टर क्यों आया था? सब ठीक है ना? हमारा मतलब है अम्मा जी की धड़कन, सांसें, सब ठीक है ना? डॉक्टर दादी के लिए नहीं, मिश्रा जी को देखने आए थे। क्या? मिश्रा जी के लिए? क्या हुआ मिश्रा जी को? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये कहा कि मिश्रा जी अगर टेंशन से दूर रहेंगे और शांति से जिएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी टेंशन तो आप ही देती हैं। मिश्रा जी को ये लड़कियां संस्कारी और अच्छी कैसे लगती है? जहर की पुड़िया है सबकी सब। पता नहीं किस बात की आकर में घूमती रहती है। आंटी, शालू और विशेष आपके मायके जाने वाले, आपको मना कर वापस लाने की। अगर आप वहां नहीं मिली तो उसकी चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। तुम तो बस ये बताओ कि तुम्हारा खेल कैसे आगे बढ़ रहा है। तुम बस एक बार विशेष को अपनी जाल में फांस लो, बाकी तो उस सालू से। बस 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 आंटी, स्टॉप इट। अब इतनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, ये दिल का मामला है, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। और वैसे भी मुझे सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं खेलना है, बल्कि गलत फहमी की दीवार भी खड़ी करनी है। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, बहुत जल्दी आपके मन की खबर दूंगी। रोशनी बेटा, तुम टाइम लो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तुम नहीं जानती इस सालू को विशेष की जिंदगी से निकालने के लिए हमारा रोया रोया कैसे तड़प रहा है। तुम बस एक बार सालू का हाथ विशेष के हाथ से छुड़वा दो, फिर हम तुमको तुम्हारे मुंह मांगी कीमत देंगे। आंटी, अभी तो बस एक बार विशेष ने मेरा हाथ पकड़ा है, बहुत जल्द वो मेरा हाथ थाम भी लेगा। वैसे एक बात बताइए, अगर विशेष ने मेरा हाथ थाम लिया, फिर बाद में आप वो हाथ छुड़ा तो नहीं देंगी? का मतलब कहीं तुम विशेष के साथ? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे व्यापार के साथ प्यार मिक्स नहीं करती। अब तुमसे का छुपा है बेटा, तुम बस इस सालों से मुक्ति दिला दो। बहना, जय भोलेनाथ। रोशनी से तो कुछ नहीं छुपा, लेकिन तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो। भैया आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ। और ये नहीं जानना चाहोगी कि हम यहाँ आए कैसे? इस लड़की का पीछा करके। और जैसे हम यहाँ आए ना, वैसे दूसरा कोई भी आ सकता है। मामा जी, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, आप आए नहीं, आपको लाया गया है। मैंने आपको रास्ते में देख लिया था कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो लगता है मामा जी मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने आपको आने दिया क्योंकि आंटी को उनके मायके पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए था ना। वाह, जय भोलेनाथ। ये लड़की तो एकदम तेज तरार निकली है। इसका दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। अब भैया तुम जब आ ही गए हो तो हमारा एक काम कर दो, लेकिन हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना। हाँ, मिश्रा जी, ये आपके 50 लाख रुपए। मिश्रा जी, हम अच्छी तरह जानते हैं, वर्मा के अलावा बंटी जो चेक हमसे लेके गया है वो भी आपके पास पहुंचा है, लेकिन हम उसे कभी कैश नहीं होने देंगे। मॉम, जिसने ऑक्शन में शांति निवास खरीदा है ना, वो राजन सिन्हा, वो आने वाला है। आने वाला नहीं बल्कि आ गया हूं। नमस्कार लता मैडम। नमस्ते, बैठिए। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? नो थैंक्स लता मैडम, हम घर से सब कुछ खा पी के आए। फिलहाल आप हमारे नए घर के डॉक्यूमेंट दे दीजिए। लकी, मिस्टर सिन्हा एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको 30 लाख का हमें और एक चेक देना होगा। एक और चेक? हाँ। मेरे को समझा नहीं। वो दरअसल आपने जो चेक दिया था ना, वो खो गया। क्या? आप लोगों ने वो चेक गुम कर दिया है? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। अरे लेकिन आप बैंक से कह के वो चेक को ब्लॉक करा दीजिए। वो किसी के हाथ भी लगेगा तो उसके काम का नहीं होगा। आप हमारे लिए और एक फ्रेश चेक बना दीजिए। ठीक है, हम आपको दूसरा चेक देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ललिता जी, अगर ऐसा हुआ भी था तो आपको पहले हमें बता देना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक मैं पहला चेक ब्लॉक ना करा दूं, आप दूसरा चेक प्लीज मत डालिएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी तो हमारी हो ही चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए। जो इंसान एक प्रॉपर्टी के लिए 2 बार चेक दे सकता है, उसके ऊपर हम आंख बूंद करके भरोसा कर सकते हैं। इट्स ओके। Thank you. फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।